स्वागत करें राजकुमारी उनाती जी, उनसे निवेदन है आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। भैया ये गैलरी वालों से निवेदन है, इनको रोकें वहीं पे। क्या कर रहे हैं आप लोग? श्रीमती आशा अमरवंशी जी से निवेदन है कि गैलरी से जरा आदरणीय नकुलनाथ जी का स्वागत करें। से हट जाइएगा, बैठ जाइएगा, वहां पे व्यवस्था बनाइएगा। सुधा राजपूत जी से निवेदन है कि आदरणीय प्रिया नाथ जी का स्वागत करें। नीतू सिंह भागीपानी दीजिए, कमलनाथ जी का जल्दी जल्दी आते जाइए, फटाफट आते जाइए। प्रीति विश्वकर्मा जी इकलेरा से, तबस्सुम खान अम्बाड़ा से, सुनीता मालवी जी इकलेरा से, सरोज डहरिया जी इकलेरा से, आदरणीय कमलनाथ जी, श्रीमती प्रिया नाथ जी का स्वागत करें, नकुल नाथ जी का स्वागत करें। रास्ता देते जाए पवंती साहू जी, डॉली डहरिया जी, ममता बलारी जी विजय गुमाई से, मितला भाई सूटिया से, प्रभा कबरेती जी भागवर्दिया, वर्षा बनवारी जी झुर्रेमाल से, सुनीता तुमड़ान जी, रामवती सालवंशी जी भोकई से, ब्रज कुमारी सरयाम जी, शिवर आवते जी, रुक्मा बंसोल जी, रंजिता अम्बाड़ा से हमारी बहन है, सरिता भाई जी, आप लोग आए। आप लोग इन ये महिलाओं का नाम इसलिए किया है कि ये मातृशक्ति के संगठन के लिए, उनके संघर्ष के लिए सदा अपना संघर्ष करती हैं। समस्त मातृशक्तियों का के द्वारा शर्मिला नागवजी जी से निवेदन है। लिस्ट तो हमने बहुत लंबी बनाई थी, लेकिन परमादरणीय कमलनाथ जी के साथ समय का अभाव होने के कारण हम बाकी लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं। बस हो गया, हम हाथ जोड़ के सभी लोग तालियां बजा के एक बार कमलनाथ जी का स्वागत कर दें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जा बेटा जल्दी जल्दी करो, एक और दे दो इसको बच्ची को। और महिलाओं से निवेदन वहां आगे से उतरते जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। गैलरी वालों से बार बार निवेदन है भैया, सभी वहीं बैठ जाएं, नहीं तो वहीं बैठ जाएं, गैलरी में ही बैठ जाइए, आप लोग व्यवस्था में सहयोग करेंगे। देखिए हम लोग ने बहुत सारी महिलाओं की सूची बनाई थी, मगर आप समझ रहे हैं कि इतनी सारी महिला है, गर्मी में बैठी हैं। अब व्यवस्थित हो जाएगा तो जितनी महिलाओं का स्वागत कर दिया आप सबकी तरफ से, नहीं तो हमने बहुत लंबी सूची बनाई थी, मगर चूंकि गर्मी बहुत है, कमलनाथ जी के पास समय कम है, आगे भी कार्यक्रम हमको करना है, तो आप शांति से वहीं बैठ जाइए और एक बार जोरदार नारे से स्वागत करिए कमलनाथ जी का। कमलनाथ, कमलनाथ, नकुलनाथ, प्रियानाथ, आप सबका धन्यवाद। हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ उपती जी से कि वे अपना स्वागत भाषण यहां प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय विश्वनाथ उपती जी, आज के हमारे इस नारी सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि परम सत्य हमारे नेता सम्मानी कमलनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के युवा सांसद कर्मशील सांसद सम्मानी नकुलनाथ जी, हमारी प्रिया सम्मानी प्रियानाथ जी, यहाँ उपस्थित सम्मानी मंच, यहाँ उपस्थित हमारे सभी गांव गांव से आए, परिवार से आए, घर घर से आए सभी महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और देश के हमारे समाज और हमारे परिवार में नारियों का सदा महत्व रहा है। बेटी बनकर जब यह जन्म लेती है तो घर में खुशियां भर देती है, बहू बनकर जब घर में आती है तो सुख सौभाग्य लाती है और संपूर्ण जीवन में कभी माँ
कभी बहन, कभी पत्नी, कभी दादी, कभी नानी बनकर एक सूत्र में परिवार को बांधे रखती है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है, कांग्रेस ने सदैव नारियों का सम्मान किया है। उनके नेतृत्व में जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी राष्ट्रीय नेत्री इंदिरा गांधी जी है, उनकी बहू सोनिया गांधी जी है, और आप सब जानते हैं कि आज महिलाओं की, हमारी सबकी नेता माननीय प्रियंका नाथ जी घर घर जाकर महिलाओं से, महिलाओं की बात करती है, और इस मंच पर हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की पुत्र वधु बहु प्रिया नाथ जी आज मंच पर आई है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस जिले में माननीय कमलनाथ जी ने कई बार महिलाओं को, चार चार महिलाओं को जिले में नेतृत्व करने का मौका दिया। हम सब जानते हैं कि उनमें से एक महिला विधायक आज छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के बाद मणिपुर की राज्यपाल है। आप सब जानते हो साथियों, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने, कमलनाथ जी के परिवार ने हमेशा इंजीनियर बनने के लिए बेटियों को, रोजगार पाने के लिए बेटी को, और समय समय पर उनके रोजगार के लिए, उनको ध्यान के लिए बहुत काम किया है। मैं इस जिले की नारियों से कहना चाहता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कमलनाथ जी ने महिलाओं का मान किया, ऐसे विरोधियों से मैं पूछना चाहता हूं, जब भाजपा ने विकास यात्रा निकाली उस समय महिलाओं का नृत्य कराया गया, क्या यह महिलाओं का अपमान नहीं है? भाजपा के सांसद, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण जी ने कुश्ती संघ की महिलाओं के साथ जो किया वो सब महिला बहने भली भांति जानती हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, रतलाम के विधायक ने जिस समय हनुमान जी के सामने, हनुमान जी भक्त हमारे कमलनाथ जी है, भाजपा के वहां के विधायक ने किस प्रकार नृत्य हनुमान जी के सामने करा, ये सब उदाहरण है भाइयों। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज का दिन हमारे सबके लिए बड़ा गौरव का दिन है, हम सबके लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं साथियों, हम सब मिलकर आज जो नारी सम्मान का कार्यक्रम रखा है, इसमें माननीय कमलनाथ जी ने जो योजना लाई है उसमें माताएं बहन अपने फॉर्म भरे और इस योजना का लाभ उठाए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बीच में सुप्रसिद्ध पर्वतारोही सुश्री मेघा परमार जी, जिसके बारे में काफी विस्तार से हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय गंगा तिवारी जी बताएंगे। आदरणीय तिवारी जी, आज मैं आपको मध्य प्रदेश की ऐसी बेटी से परिचय कराना चाहता हूं जिसने पूरे भारतवर्ष में न केवल मध्य प्रदेश का, नारियों का नाम भी बहुत ऊंचा किया है। ऐसे हमारे बीच में बैठी हैं सुश्री मेघा परमार जी, मैं उनसे कहूंगा कि आप सामने आए। मैं इनके समक्ष इनके बारे में बताना चाहता हूं कि ये चार महाद्वीपों के सर्वोच्च माउंटेन को फतह करने वाली राज्य की प्रथम महिला थी, पहली महिला, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली राज्य की पहली महिला हैं, और वर्ष 2022 में तकनीकी स्कूबा ड्राइविंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, और प्रदेश के चार विभागों में महिला विभाग, साची दुग्ध संघ, हाथकरघा, निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेघा परमार जी जो है भोजनगर से आती हैं, जो शहर जिले का एक गांव है, और गांव में जो किसान है हमारे श्री दामोदर परमार जी, उनकी बेटी हैं, और आज वो कांग्रेस में प्रवेश ले रही हैं। माननीय कमलनाथ जी की रीति नीति से प्रभावित होकर के मैं कमलनाथ जी की ओर से घोषणा करता हूं कि सुश्री हमारी मेघा परमार जी को कांग्रेस में ससम्मान उनको स्थान दिया जाएगा। मैं माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि बुके देकर के श्रीमती सुश्री मेघा परमार जी का स्वागत करने का कष्ट करें। सब लोग तालियां बजा के, जोरदार तालियों के बजा के करिए, बोलिए भारत माता की, जोर से बोलो, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, सब तरफ से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघा परमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे कृपया मंच, हमारे माइक पर आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें।
भारत माता की। हमारे यहाँ कहा जाता है जब भारत माता की जय कही कहा जाता है तो उसका प्रत्युत्तर और जोश के साथ आता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को मेरा जय हिंद। आज मेरे लिए मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिन है। मैं कांग्रेस परिवार में प्रवेश कर रही हूँ। मैं अपने आप को और भी ज़्यादा भाग्यशाली इसलिए समझ रही हूँ कि माँ हिंगलाज माता की इस पावन धरा पर मुझे छिंदवाड़ा आपके घर बुलाकर आपके परिवार का सदस्य बनाया जा रहा है और इस मंच पर स्थान दिया जा रहा है। मैं अपने आप को और भी इसलिए भाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे माननीय कमलनाथ जी द्वारा आज शुभारंभ किया जाने वाली योजना महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना की मैं साक्षी हूँ, क्योंकि वे वादे नहीं करते वचन देते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और आप भी अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आप इस आयोजन के साक्षी हैं। मंच पर उपस्थित हमारे देश के गौरव, हमारे राजनीति के संत बाबा बजरंगबली के भक्त और हमारे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी सभी अपनों को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरी इतनी सारी दीदियाँ जो आज यहाँ जीजियाँ मौजूद हैं उन सभी को मेरा जयराम जी की। मैं मेघा मंजू दामोदर परमार ग्राम भोजनगर पोस्ट उलझावनी छावर जिला सीहोर की निवासी। मेरी सफलता की यात्रा आज इस मंच से प्रारंभ नहीं हुई बल्कि उसी गांव से हुई है जहां की मैं हूँ। छोटा सा गांव है भोजनगर, जहां पहाड़ पे चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सपना देखना भी ऐसा लगता था कि कभी सपने में सोचे या नहीं, पर मुझे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंचाने में आपका मनोबल और हमारे मंच के मध्य में मौजूद आदरणीय कमलनाथ माननीय कमलनाथ महोदय जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, सबसे बड़ा योगदान रहा है। वरना भला कैसे संभव हो सकता था कि एक ऐसे पिता जो लाइलोन के जूते पहनते हैं, जिसका घर चद्दर का है, जिसकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है, वो कैसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 लाख की राशि इकट्ठी करके पर्वतारोहण को सफल बनाती। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा श्रेय आपको देना चाहती हूँ। मेरी प्रारंभ जहाँ से हुई मैं बताना चाहूंगी कि पर्वतारोहण के बारे में सोचना और वहां तक पहुंचाने में जो सर का योगदान रहा वो छोटी सी कहानी प्रारंभ होती है ग्राम भोजनगर से, जहां मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद दीदियां रिलेट कर पाएंगी कि मैं और आप एक ही हैं। मुझे पढ़ने के लिए बाहर इसलिए भेजा गया था क्योंकि मुझे मेरे भाइयों की रोटी बनानी थी। मेरे भाई भाग भाग के गाँव आते थे और बोलते थे कि हमारे नहीं पढ़ने जानो, रोटी अच्छी नहीं लगे हमारे टिफिन की। तो मैं मेरे घर की सबसे छोटी लड़की थी तो डिसाइड हुआ कि छोरा उनकी रोटी भी बन जाएगी और छोरी उनको कॉलेज है तो छोरी भी पढ़ लेगी। तो मुझे मेरे भाइयों को की रोटियां बनाने के लिए भेजा गया था, पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मैं उसी को मानती हूँ कि ऊपर वाले ने किसी अलग रूप में दिया था, वहीं से मेरा प्रारंभ हुआ था। मुझे हर सुबह कॉलेज जाने से पहले हमारा हेडपम्प था और दूसरी मंजिला पर मकान था जिसमें मुझे कुप्पों से पानी भर के लेके जाना पड़ता था। कुप्पे दीदियाँ रिलेट कर पा रही होंगी, इस समय गर्मी का मौसम है और मैं कहती हूँ कि कृति फौजियों के जो कुप्पों का खाली उपयोग कर रही हैं वो मध्य प्रदेश की दीदियों का जीवन में जो इस समय सबसे कठिन स्थान वो यह है कि उनका आधा जीवन सिर्फ पानी भरने में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी भरने में जा रहा है। क्या दीदी आप सब सहमत है? मेरे को सुबह सुबह दूसरी मंजिला पर पानी लेके जाना पड़ता था और मैं सोचती थी कि मेरे पैर इतने दर्द क्यों करते हैं। तो मैंने एक बार अपने जीवन को पलट के देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं उन कुप्पों से पानी नहीं भरती तो मेरे पैर इतने मजबूत नहीं होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते। तो आपके जीवन में जो कुछ भी होता है
वो आपको या तो एक बहुत बड़ी असफलता के लिए तैयार करता है या सफलता के लिए तैयार करता है। मैंने वल्लभ भवन की सीढ़ियों के चक्कर लगाए, मैंने मेरे जूते छन जाते थे, दो रोटी और चार बोतल पानी पीछे होता था, काला कलर का सलवार सूट और पीछे बैग टंगा होता था। मैंने हर एक दफ्तर में चक्कर लगाए थे सिर्फ कि मैं पहाड़ चढ़ने के लिए तो रेडी हूँ, बस आप मुझे स्पॉन्सर कर दीजिए। कोई ऐसी सीढ़ियाँ नहीं बची थी जहाँ मैं नहीं गई हूँ, कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची थी। फिर मुझे पर्वतारोहण के लिए भेजा गया और वही सबसे बड़ा संघर्ष है जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, क्योंकि हमारे माननीय कमला जी महोदय जी दून स्कूल से पढ़े हैं और उन्होंने जब मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करके आई थी तो उन्होंने जिक्र किया था कि ट्रैकिंग, तो मुझे 2018 में दोबारा माउंट एवरेस्ट के लिए भेजा गया। और पहाड़ के जो संघर्ष होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, 36 किलो का बैग होता है, आपको कई लाशों को पार करने के बाद पहाड़ पे पहुंचना पड़ता है और आप भारत का झंडा वहां फहराते हैं। 2018 में मैं केवल 700 मीटर से रह गई थी। वापिस आने के बाद मेरी ट्रेनिंग के दरमियान में 3 जगह से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मैं 9 महीने बिस्तर पर रही थी और दोबारा मुझ पर कोई भरोसा नहीं कर रहे थे। माननीय कमलनाथ जी ने एक खिलाड़ी के रूप में मुझे दोबारा मुझ पर भरोसा किया और उनकी सरकार ने मुझे दोबारा मध्य प्रदेश की नारी शक्ति के रूप में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाने के लिए स्पॉन्सर किया। और वही चैलेंजेस लेके 22 मई सुबह 5 बजे मैं अकेली नहीं, आप सबके साथ, माननीय कमलनाथ जी के विश्वास के साथ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी -52 डिग्री टेम्परेचर में भारत का झंडा लेके खड़ी थी। मेरा माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतह कराया है। यहाँ कई सारी दीदियां हैं जिनको उनका माउंट एवरेस्ट फतह कराने के लिए वे दोबारा सरकार में आ रहे हैं और हमारे लिए सरकार बना रहे हैं। मैं जब मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के यदि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मैं उनका जिक्र इसलिए करना चाहूंगी कि मेरे समय नाम था अभिनेत्रियों का, शिल्पा शेट्टी जी का और दिव्यंका त्रिपाठी जी का, उनकी जगह एक किसान की बच्ची को चुनकर पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं तो आदरणीय कमलनाथ जी बना सकते हैं। मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना के पूरे 52 जिले मैंने घूमे, 300 गांव देखे और मैंने वहां पे दीदियों की सबसे बड़ी समस्याएं देखी। इस समय जब महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे थे 2 महीने के लगातार, आप सबने देखा कि फॉर्म भरते समय रैली लाइनों में लगना पड़ रहा था और आज नारी सम्मान में हम देख रहे हैं कि इसमें सभी दीदियां सम्मिलित हो सकती है, किसी के साथ कोई भेदभाव और कोई ऐसा नहीं है कि वे उसमें शामिल ना हो। मैं अंत में आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि दीदियां आप सब तैयार हैं हमारी अपनी सरकार बनाने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं? हाथ उठाइएगा। अपनी सरकार, हमारी सरकार, नारी शक्ति की सरकार, तो बोलिए भारत माता की जय। कमलनाथ, भारत माता की। और जब तुम में ही है शक्ति सारी तो क्यों समझो तुम अपने आप के बेचारी। और अंत में एक चीज जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही है कि महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण तब हो रहा है जब महिलाओं को 10 रुपए के लिए पिता पुत्र पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो कि हमारे माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा परमार जी, आपके जज्बे को प्रणाम करते हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार में। मैं निवेदन करूंगा कि वो भैया भाई आप सामने खड़े पीछे महिलाओं को दिख नहीं रहा, थोड़ी सी व्यवस्था बना दें। हमारे बीच में परासिया के विधायक भाई सोहन मालवी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज अपने उद्बोधन यहां हमारे संपूर्ण जिले की मातृ शक्तियों को प्रदान करें। आज सबसे पहले मैं हमारी सभी मातृ शक्तियों के चरण स्पर्श करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि आप सब बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर। और मैं मेरे आराध, मेरे पूज्य शिव शंकर जी भोलेनाथ जी से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और माननीय कमलनाथ जी को आशीर्वाद दें कि वो पुनः मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश की भागदौड़ संभाले और हमारे नारियों के उत्थान के लिए काम करें। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी, आदरणीय प्रियनाथ जी, सम्मानित हमारे सभी विधायकगण, सम्मानित मंच
और उपस्थित हमारी सभी मात्र शक्तियां, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब धूप में बैठी हैं, गर्मी में बैठी हैं, ये आपका लगाव है, आपका प्यार है, आपके आशीर्वाद है, कितनी तकलीफ झेलने के बाद भी आज आप माननीय कमलनाथ जी के समक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कतें हम सब लोगों को है मध्य प्रदेश में, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी दीदियां आज आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती हैं, मगर इस महंगाई के दौर में जो सरकार बैठी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, उनका कोई ध्यान आपके तरफ नहीं है। जब चुनाव आता है तब ध्यान आता है और लुभावनी योजना लाके हम सबको बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, मगर हमारी मध्य प्रदेश की महिला, हमारी छिंदवाड़ा जिले की महिला इस चीज को बहुत अच्छी भली भांति जानती है कि सच्चाई क्या है और यथार्थ क्या है। उस सच्चाई यथार्थ में हमेशा आपने कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को आशीर्वाद दिया है और यही आशीर्वाद और प्यार माननीय कमलनाथ जी को मजबूती पैदा करता है। मैं अंत में दो चार बातें कहकर समाप्त करूंगा। माननीय कमलनाथ जी, ये सब महिला जो बैठी हैं, बहुत सारी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारी हमारी 117 महिलाओं ने मेहनत किया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, आशा कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, आज ये सब आपके बीच में आई और बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनके उत्थान के लिए, इनकी गरीबी दूर करने का आप काम करेंगे और आपने संकल्प भी लिया है और आज उसी संकल्प को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये एक आर्थिक जो बोझ आपको पड़ता था, एक इसकी छोटी सी इसमें मदद आप सबको मिलेगी और निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी योजना माननीय कमलनाथ जी आने वाले समय में सरकार बनेगी तब इस तरीके से लेके आएंगे। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा माननीय कमलनाथ जी, हमारा क्षेत्र WCL का है, बहुत सारी जमीन भूमि जो WCL की रेलवे की है, सैकड़ों हजारों लोग उस भूमि में निवास करते हैं, मगर इस तरफ WCL भी नोटिस दे रहा खाली करने का, इस तरफ रेलवे भी नोटिस दे रहा खाली करने का, आखिर ये बेचारे गरीब जाए कहां। आपकी सरकार बनी तो आपने पहल करी थी कि जो WCL की भूमि है जहां कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई खदान नहीं चल रही, खदानें बंद हो गई है, ऐसे सभी हितग्राहियों को आप पट्टा वितरण की कार्रवाई आपने करा था, मगर भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद में वो पट्टे की कार्रवाई रुक गई है और निरंतर हमारे सब में एक चिंता का विषय बना हुआ कि ये क्या स्थिति बनेगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार बनने के बाद में इस ओर जरूर ध्यान दें कि इन सभी हितग्राहियों को उनको पट्टा मिले और अपने जमीन का मालिकाना हक मिले। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, स्वसहायता समूह के लिए, ऐसी बहुत सारी नारियां हैं जो सरकार की योजना को आगे बढ़ाती हैं, इन सब की आप योजना आगे बढ़ाएंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और निश्चित तौर पर जो हमारी अधूरी लड़ाई WCL और रेलवे की जमीन की, जो आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अधूरी थी, उसकी लड़ाई हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अवश्य पूरा करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ कि आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ कंधे पहले वो योजना वाला लेके आ जाइए। हम सबको जिसका इंतजार था, नारी सम्मान योजना जिसका शुभारंभ पदम आदरणीय नकुलनाथ जी आज कमलनाथ जी का तरासिया से करने जा रहे हैं आदरणीय नकुलनाथ जी के साथ। इस योजना को आरंभ करने से जो लाभ आपको होगा, प्रत्येक महिला को 1500 रुपए, ये जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना आपके सामने, बड़े गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी आपके परासिया क्षेत्र में, अपने जिले में ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप सब तालियां बजा करके माननीय कमलनाथ जी की योजना का शुभारंभ करें। आप जानते हैं कि 1500 रुपए माननीय कमलनाथ जी देंगे, मतलब एक साल में 18000 रुपए और 500 रुपए में जो है आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। जिस प्रकार आपको लगभग 25000 रुपए अपनी माताओं बहनों को उसका फायदा होगा, आप सबको इस जो लाभ मिलने वाला है उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि तालियां बजा करके स्वागत करें और हम सब मिल करके वो प्रयास करें कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और हमारी बहनों को 25000 से ज्यादा का लाभ मिले, ये प्रयास हमको करनी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद
फिर से एक बार क्षेत्र में, जिले में और पूरे प्रदेश में समृद्धि की बहार आएगी। और जो सपने वर्ष 2018 में माननीय कमलनाथ जी हमारे पूरे नहीं कर पाए, उसका आगाज आदरणीय कमलनाथ जी निश्चित तौर पर आप सभी के आशीर्वाद से नवंबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये माननीय कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि आदरणीय कमलनाथ जी वादों पर विश्वास नहीं करते, आदरणीय कमलनाथ जी अपने वचन को निभाते हैं और पिछले बार उन्होंने जो वचन किए थे वो पूरे हुए। अब मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर मातृशक्ति के रूप में श्रीमती प्रिया नकुलनाथ जी जिले की महिलाओं के लिए ही संघर्ष कर रही है, विकास के लिए संघर्ष कर रही है। मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय प्रिया नकुलनाथ जी को कि संपूर्ण जिले की मातृशक्तियों को आप अपने आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम पर उपस्थित आदरणीय पिताजी श्री कमलनाथ जी, इस जिले के लाडले सांसद और मेरे पति श्री नकुलनाथ जी, सम्मानित मंच और सामने भारी संख्या में बैठी समस्त नारी शक्ति को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज का यह दिन मेरे लिए बहुत खास और बड़ा अवसर है, क्योंकि आज पहली बार मैं पिताजी आदरणीय कमलनाथ जी के सामने किसी सभा को संबोधित करने जा रही हूं। दुगनी खुशी इस बात की है कि नारी सम्मान योजना जैसे शुभ कार्यक्रम पर मुझे यह मौका मिला। नारी सम्मान योजना हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सबके लोकप्रिय नेता कमलनाथ जी और आपके सांसद नकुलनाथ जी का एक सपना है, एक विश्वास है कि जब हम अपनी माताओं और बहनों को सशक्त बनाएंगे तभी हमारा समाज सशक्त बनेगा। इसके लिए कमलनाथ जी द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाया जा रहा है, जो एक नई सोच के साथ हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए जरूर एक वरदान साबित होगा। इस योजना के लाभ तो आपको सोहन भैया और गंगा तिवारी भैया ने समझा दिए, पर फिर भी आज इस मंच द्वारा मैं अपनी एक बात रखना चाहूंगी। आप लोग जानते हैं कमलनाथ जी जो भी वादा करते हैं उसे हमेशा निभाते हैं। कांग्रेस सरकार हमारे प्रदेश पे आने पर इस योजना के लागू होने का आश्वासन आपको आज ये भाग्यशाली नारी दे रही है, ये बहू दे रही है, जिसे आदरणीय कमलनाथ जी ने बेटी की तरह प्यार और सम्मान दिया है, ये पत्नी दे रही है जिसकी जरूरतों को नकुलनाथ जी ने हमेशा हमेशा प्राथमिकता दी है। अंत में मैं आप सबको यही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जहां नारी सम्मान की बात होगी, आपके सुख दुख की बात होगी, मैं हमेशा आपके बीच कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग तालियां बजा के धन्यवाद प्रकाशित करें। आज हमारा सौभाग्य की आदरणीय श्रीमती प्रिया नाथ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये सबसे पहले फॉर्म जो है वो भरेंगे नारी सम्मान का। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं आप स्वागत करिएगा तालियां बजा करके वो दो बहनों को। मैं वो दो बहनों को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और यहां आकर के माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से अपना फॉर्म भरवाएं। मैं दोनों महिलाओं को आमंत्रित करता हूं, वो कृपया आएं, बहुत तालियां बजा के स्वागत करें। ये प्रथम महिलाएं, दो महिलाएं हैं हमारी, जो देवियां हैं जो इस नारी सम्मान में अपना फॉर्म भरेंगी।
मैं माननीय नकुलनाथ जी और माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करना चाहता हूं, ये आपकी मंशा के अनुसार ये दो बहनें यहां मंच पर आई हैं, इनका फॉर्म भरवाने की कृपा करें। नरेंद्र वहां से तुम हटो, बहुत ही हर्ष की बात है कि आज से नारी सम्मान योजना के फॉर्मों का भरना काम चालू, और अब हमारे कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर सभी मातृशक्तियों के फॉर्म भरेंगे, ताकि इस योजना का लाभ आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मिल सके। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, जन जन के लाडले नेता हमारे जिले के युवा सांसद परम आदरणीय नकुलनाथ जी से, कि वे आकर हमारे क्षेत्र की मातृशक्तियों को संबोधन प्रदान करें। आदरणीय नकुलनाथ जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नारी सम्मान योजना के आज इस विशाल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हनुमान भक्त आदरणीय पिताजी, मंच पर उपस्थित मेरी धर्मपत्नी प्रिया नाथ जी, सम्मानित मंच, विधायकगण यहाँ मंच पर उपस्थित, और इतनी भारी संख्या में उपस्थित आदरणीय माताओं और बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। माताओं और बहनों, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके सामने उद्बोधन दे रहा हूं। मैंने जब कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना के बारे में बात की थी तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि नारी सम्मान योजना का शुभ आरंभ हमारे छिंदवाड़ा जिले से होना चाहिए, तो आज पूरे प्रदेश में नारी सम्मान योजना की शुरुआत आज हमारे छिंदवाड़ा जिले से हो रही है, और उसके लिए मैं कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माताओं और बहनों, ये योजना आपके लिए बनाई गई है। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई आसमान को छू रही है। आज अगर हम दूध की बात करें तो पिछले एक साल में दूध की कीमत 30% बढ़ गई है।
हम देसी घी की बात करें तो देसी घी की कीमत 25% बढ़ी है। हम बिजली की बात करें तो आज हमारा बिजली का बिल 200% बढ़ा है। हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल पिछले एक साल में 60% बढ़ा है। माता और बहनों, आप सब जानते हैं कि हमेशा कांग्रेस ने महिलाओं का सशक्तिकरण चाहा है। कांग्रेस पार्टी ही सबसे पहली पार्टी थी जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया, और कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश पुलिस में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। लेकिन आज मध्य प्रदेश पुलिस में केवल 6% महिलाएं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती तो आज मध्य प्रदेश पुलिस में भी 33% आरक्षण में 33% महिलाओं को स्थान मिलता। साथियों, मुझसे पहले आपको इस योजना की जानकारी दी गई है, लेकिन मैं सरल तरीके से इस योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इस योजना के तहत हर माह, हर महीने हर महिला को 1500 रुपए राशि दिलवाई जाएगी, यानी सालाना 18,000 रुपए। फिर आपको हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आज की तारीख में देखें तो आज लगभग गैस सिलेंडर 1100 रुपए का है, तो अगर आज की तारीख की बात करें तो सीधा 600 रुपए प्रति माह आपको लाभ आता है। इसका मतलब साल के लगभग 7000 रुपए, तो 18000 और 7000, यानी कि मध्य प्रदेश के हर महिला को सालाना 25000 रुपए का लाभ होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही महीने में चुनाव होने जा रहे हैं और फिर से भाजपा के लोग आपके बीच में आएंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि ये योजना कभी सफल नहीं हो सकती। लेकिन आपको एक ही जवाब देना है, ये कमलनाथ का वादा नहीं, कमलनाथ का वचन है। और आज कमलनाथ जी ने सुंदरकांड पाठ के बाद मध्य प्रदेश की महिलाओं को वचन दिया है, और कमलनाथ जी वचनबद्ध है। कांग्रेस की सरकार बनते ही कमलनाथ जी सबसे पहले अपना वचन निभाएंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नकुलनाथ जी। मैं एक सूचना देना चाह रहा हूं कि सभी यहां उपस्थित मातृशक्तियों, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। कार्यक्रम के बाद बिना भोजन ग्रहण किए कोई नहीं जाएगा। अब मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे नेता, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी को। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे सभी यहां उपस्थित विधायक गण, परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि जी, ओकटे जी, गंगा तिवारी जी, दीपक सक्सेना जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा कि मैं जानता हूं कि कितनी देर से आप यहां बैठे हैं। बहुत देर से बैठे हैं ना, मैं जानता हूं। इसीलिए
मैं समय बचा रहा हूं। मेघा परमार जी ने आज कांग्रेस में प्रवेश किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। जब ये नारी सम्मान योजना हमने भोपाल में, कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में तय करी, तो प्रश्न उठा इसका उद्घाटन कहां हो, इसकी शुरुआत कहां हो। सबने अपने अपने जिले की बात करी, सबने कहा आप यहां करिए, आप खंडवा में करिए, आप रतलाम में करिए, आप रीवा में करिए। पर मैंने तय किया और नकुल ने भी आपको बताया कि मैं वहां इसकी शुरुआत करूंगा जहां मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। छिंदवाड़ा को अपना जीवन, अपनी जवानी समर्पित करिए, वहां इसकी शुरुआत करूंगा। मैं अपनी माताओं और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी सभाओं को उद्बोधन किया, पर आज जिस संख्या में हमारी बहनें और माताएं यहां बैठी हैं, शायद मैंने कभी नहीं देखा। हजारों की संख्या में माताओं और बहनों, आप इस गर्मी में, इस धूप में दूर दूर से आई हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैंने तय किया मैं छिंदवाड़ा में करूंगा, तो प्रश्न था छिंदवाड़ा में मैं कहां करूं। तो मैंने सोचा कि सबके लिए सबसे सुविधा वाली जगह परासिया होगा, और सोहन वाल्मीकि जी की बड़ी दिलचस्पी थी। इन्होंने मुझे कई दफे फोन किया कि आप परासिया में करिए। मैं संसद में 40 साल रहा, आपने मुझे संसद में पहुंचाया। संसद में तो बहुत सारे सदस्य होते हैं, मैंने उनसे कहता था कि आप यहां जो बैठे हैं संसद में, आप जनता का वोट लेके आए हैं, मैं तो जनता का प्यार और विश्वास लेके आया हूं, और यही आपका प्यार और विश्वास मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने जो मुझे बल और शक्ति दी। माताएं और बहनें, आप यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, पर आपको देश भी समझना पड़ेगा। माताएं घर में व्यस्त रहती हैं, देश की तरफ नहीं देखते, आपको देश को भी समझना पड़ेगा। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए, कोई ऐसा देश पूरे विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। है कोई ऐसा देश? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, और यही भारत हमें पहचानना है। ये आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, पूरे समाज और धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। इसलिए आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। माताओं और बहनों, पर एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे संस्कृति पर। आज जो हमला हो रहा है, आज जो हमारे संस्कृति पर हमला हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनौती थी कि एक ऐसा देश जिसमें इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, इस ऐसे देश में कैसा संविधान बनाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी,
पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा भविष्य का? अगर हमारी संस्कृति पर हमला होता रहे, माताओं और बहनों आप ज्यादा नहीं पढ़ती अखबार, आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद चल रहा है, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, पिछले 10 दिन में कैसे मणिपुर में, हमारा ताल्लुकात मणिपुर से वैसा नहीं है, मणिपुर में समाज को बांटा जा रहा है, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कैसा विवाद किया जा रहा है, और किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आज आप चित्र आप सबके सामने है और ये बड़ी चिंता का विषय है। माताओं और बहनों, आपने हमेशा सामाजिक मूल्यों की रक्षा करी है, भारत टिका हुआ है अपने सामाजिक मूल्यों पर, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं किसी और देश में नहीं है। माताओं और बहनों, आपको रक्षक बनना पड़ेगा, आपको रक्षक बनना पड़ेगा हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश के संविधान का। केवल अपना घर मत देखिएगा, सोचिएगा कि कैसा हम प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियां, कैसा देश हम आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये आज हमारे सामने चुनौती है। हमने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। अभी नकुल ने बताया कि जो कानून बना महिलाओं को आरक्षण के लिए, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने विधवा पेंशन जब मैं मुख्यमंत्री था डबल करी। हमने घरेलू हिंसा का कानून बनाया। हमने पहला प्रधानमंत्री दी इंदिरा गांधी जी दी। हमने पहली राष्ट्रपति अपने देश की श्रीमती पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। ये आज आप सबके सामने है। आज की स्थिति क्या है? आज ये गवर्नमेंट और शिवराज सिंह जी क्या हमारे बेरोजगार नौजवान की पुकार सुन सकते हैं? इनकी कान बंद हैं। क्या शिवराज सिंह जी देख सकते हैं हमारे किसानों की हालत? इनकी आंख बंद है, आंख बंद है, कान बंद है। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, शिवराज सिंह जी का मुंह बहुत चलता है। और कैसे ये नाटक कर लेते हैं, हर चीज में कैसा ड्रामा कर लेते हैं, ये आप सबके सामने है। हमारे सामने आज ये तस्वीर है, शिवराज सिंह भी लाए हैं, वो भी क्या कहते हैं, लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं, जो उन्होंने पाप किया है 18 साल हमारे नौजवानों के साथ, जो पाप किया है, जो हमारे किसानों के साथ पाप किया है। आज किसान की अन्याय में मध्य प्रदेश नंबर 1। जो हमारे बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। यहां मैं देखता हूं हमारे माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, यही नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है, ये कैसा भविष्य बनाएंगे? जो आज के नौजवान हैं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, छिंदवाड़ा का भविष्य बनाएंगे। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो ये कैसा भविष्य बनाएंगे? शिवराज सिंह जी, आप अपने भ्रष्टाचार का पाप धोने के लिए, 18 साल के भ्रष्टाचार के पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं, पर महंगाई का पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। और शिवराज जी, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, दोनों हाथ आपके बहुत व्यस्त हैं। एक हाथ है व्यस्त भ्रष्टाचार में, और दूसरा हाथ है व्यस्त
अत्याचार में, ये शिवराज सिंह जी हमारे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि ये तस्वीर आप सबके सामने है, 5 महीनों में चुनाव है, शिवराज जी जगह जगह जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, ये घोषणाओं की मशीन बन गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मशीन बन गए हैं। और अब मुख्यमंत्री तो ये क्या है, ये तो क्या मंत्री है, शिलान्यास मंत्री है, ये भूमि पे कुछ पूजन मंत्री है। तो मैं शिवराज जी आपसे पूछता हूं, जनता को जवाब दीजिए, आपने दिया क्या, आपने दिया क्या, आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने घर घर में शराब दी, ये शिवराज सिंह जी ने दी, बलात्कार दिया, आदिवासी अत्याचार दिया, ये शिवराज जी तस्वीर है प्रदेश की। और मैं तो, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर और हमारे छिंदवाड़ा की जनता पर कि आप पहचान लेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बचा क्या है, पुलिस, पैसा और प्रशासन। पर सब याद रखें, कल के बाद परसों भी आता है, कल के बाद परसों आता है, तो इस पुलिस, पैसा और प्रशासन का आप जो उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए, 5 महीने में जनता आज पहचान रही है, आपको अच्छी तरह पहचान रही है। अभी सोहन वाल्मीकि जी ने WCL की बात करी, WCL की जमीन, आप सब इसी इलाके के हैं, बहुत सारे इसी इलाके के हैं, WCL को जमीन दी गई थी, लीज में दे गई थी खदान के लिए कि कोयले के खदान खोलें, खदान बंद हो गए, पर अभी तक WCL में जमीन का कब्जा करके रखा है। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने शुरुआत करी थी कि ये लीज कैंसिल करो, ये लीज कैंसिल करो और हमारे गरीब लोगों को ये जमीन बांटेंगे, उनके आवास के लिए ये जमीन बांटेंगे। हमारी सरकार बनती है, हम पूरे मध्य प्रदेश में जो भी कोयले की कंपनियां हैं उनकी हम लीज कैंसिल करेंगे जहां खदान बंद हो गए हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मैं तो आपसे अंत में पूछना चाहता हूं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, माताओं और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहिए, बताइए चाहिए, किसान भाइयों को कर्ज माफी चाहिए, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली चाहिए, युवा को रोजगार और उद्योग चाहिए। हमारी सरकार 2018 में बनी थी, हम वोट से हमने सरकार बनाई थी, 2020 में इन्होंने सौदे से अपनी सरकार बनाई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करवाना चाहता था, मैंने कहा कुर्सी बाढ़ में जाए, मैं सौदा नहीं करूंगा। तो आज जब हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, जब हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, ये जवाब क्या पूछते हैं, ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी, अगर आप स्कूल गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था, और शिवराज जी, अगर आप स्कूल और कॉलेज गए वो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो आप अपना हिसाब दे दीजिए जनता को, आप हमसे ना पूछिए, हम तो हिसाब देने को तैयार हैं अपने 15 महीने का, हमारी नियत और नीति का हमने परिचय दिया। हमने अगर किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा पाप किया, अगर हमने गौशाला बनाई, कौन सी गलती करी, अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा गुनाह किया, अगर हमने माताओं और बहनों की पेंशन बनाई, विधवा पेंशन बढ़ाई,
कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप मैंने किया, ये सब आपके सामने है। और अंत में तो मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी समय आ गया है, 5 महीने बचे हैं और ये जनता आज जो सामने बैठी है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं। समय दूर नहीं है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। और शिवराज जी 5 महीने बचे हैं, मध्य प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी, आपको घर बिठाएगी और फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या होगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमती किरण चौधरी जी से कि आभार व्यक्त करें, सभी मातृ शक्तियों से निवेदन है हमारे वॉलंटियर से कि वहां व्यवस्था बनाए आज के इस नारी सम्मान समारोह में। हमारे बीच मध्य प्रदेश की आन बान और शान हमारे भावी मुख्यमंत्री परमादरणीय कमलनाथ जी, हमारे जिले के यशस्वी सांसद, हम सभी बहनों के बड़े भाई आदरणीय नकुलनाथ जी, छिंदवाड़ा जिले की एक एक ग्राम में जाने वाली अपनी बहनों की परेशानियों को सुनकर तुरंत निवारण करने वाली